हेलो फ्रेंड्स, जीएसई स्पार्क चैनल पे मैं कार्तिकेय मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। हम बहुत ही लेटेस्ट अपडेट के साथ आए हैं आपके सामने और बहुत ही खुशी की खबर ये है कि यूपी ट्रिपल सी जेई 2016 और 2018 वाले की डेट बदल चुकी है। ये यूपी ट्रिपल सी आयोग का ये नया कैलेंडर जारी हुआ है आज दिनांक 4 नवम्बर 2019 को। आप यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 4 नवंबर का ये कैलेंडर है, आज का ही ये कैलेंडर है जारी किया गया है, जिसमें कि ये साफ बात लिखी हुई है कि जो पहले परीक्षा की डेट बताई गई थी यूपी ट्रिपल सी जेई की, वो बदल चुकी हैं। पहले जो परीक्षा होनी थी 2016 वाली, वो नवंबर में होनी थी, 24 नवंबर डेट बताया जा रहा था, और 2018 वाले की डेट दिसंबर बताई जा रही थी। लेकिन अब देखिए, आइए हम लोग देखते हैं इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो अगर हम लोग 13वें नंबर पर जाएँ तो 13वें नंबर पर लिखा हुआ है सम्मिलित अवर अभियंता एवं उपवास्तुविद प्रतियोगात्मक परीक्षा 2016 अर्थात यूपी ट्रिपल सी जेई 2016। अब यहाँ पे माह नवंबर ना दिखाकर दिखा रहा है, माह दिसंबर 2019 में लिखित परीक्षा संभावित, मतलब कि अब यह परीक्षा नवंबर में तो नहीं होगी, अब दिसंबर में आ चुकी है। डेट अभी नहीं दिया है फिक्स, लेकिन ये बताया है कि दिसंबर में होने की संभावना है, तो ये डेट बदल चुकी है। और यहीं पर अगर हम लोग देखना शुरू करें 2018 जेई के बारे में, यहाँ 2018 जेई के बारे में देखना शुरू करें तो यह देखिए नीचे आपका 18वें नंबर पर दिया हुआ है सम्मिलित आवर अभियंता संगणक एवं फोरमैन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018 अर्थात यूपी ट्रिपल सी जेई 2018। इसकी जो परीक्षा तिथि दी हुई है, यहाँ पे आपको हम छोटा करके दिखाते हैं एक साथ, इसकी जो तिथि दी हुई है 18वें नंबर पर आप देखोगे दिया हुआ है माह दिसंबर 2019 में पाठ्यक्रम तथा परीक्षा योजना प्रकाशित किया जाना संभावित है। कहने का मतलब ये है कि दिसंबर के महीने में सिलेबस आएगा और परीक्षा की योजना आएगी, अर्थात ये परीक्षा आपकी दिसंबर में भी नहीं होगी, उसके आगे फॉरवर्ड होगी जनवरी फरवरी तक। दिसंबर महीने में 2018 यूपी ट्रिपल सी जेई का सिलेबस आएगा, उसकी पैटर्न आएंगी। तो दोस्तों, ये चीज़ बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है आज का, जिसे मैं आपको बताना उचित समझा, क्योंकि बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल सी जेई की और उन्हें ये अपडेट मिलना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, जीएसएस पार्क चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद, और इसी तरीके से आप जीएसएस पार्क चैनल पे अपना साथ देते रहिए, हम आपको हमेशा अपडेट करते रहेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय।